प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस और संपर्क द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली कुछ बीमारियां और सूक्ष्म जीव। बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव हैं जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस। प्रोटोजोआ से मलेरिया नामक बीमारी होती है। जीवाणु से अक्षय रोग, हैजा और आंतर जबर होता है, जबकि वायरस से पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक नामक बीमारियां पैदा होती है। बीमारियों से बचाव के कुछ उपाय करेंगे बच्चों। सबसे पहला उपाय है कि अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच न करें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा न होने दें। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें तो ये कुछ देख सकते हैं, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देख सकते हैं। और एंथ्रेक्स नामक एक ऐसी भी खतरनाक बीमारी जो मानव और मवेशी होते जानवर, तो मानव और जानवर दोनों में होती है। बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। बच्चों, स्वयं को जांचिए। निम्नलिखित को मिलान करें तो इनका मिलान करेंगे बच्चों। जीवाणु जो है वो हैजे का कारक होता है, इसके साथ मिलान कर देंगे। लैक्टोबेसिलस दही के जमने में सहायता करता है। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है और वायरस की वजह से चेचक की बीमारी होती है, तो इसे मिलान कर सकते हैं। मलेरिया से बचने के कोई दो तरीके बताइए। इससे बचने के लिए समय पर टीका लगवाएं और उचित रूप से इलाज लें। और दूसरा बच्चों लिख सकते हैं, अपने आसपास गड्ढे हैं अपने घर के आसपास तो उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम लिखें। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां बच्चों अक्षय रोग, हैजा और आंतर जबर, जबकि वायरस से फैलने वाली बीमारियां पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस और चेचक हैं। तो ये आप यहाँ से आंसर उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तो बच्चों, पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से पीड़ित है और सूक्ष्म जीव का नाम है कोरोना वायरस। इसे रोकने और इससे बचने के कुछ तरीके हैं बच्चों, नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग अथवा 6 फीट की दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और बाहर कम निकलें। तो ऐसे कुछ उपाय अपने पास से भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक ऐसे रोग का नाम लिखिए बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। तो कौन सा रोग है बच्चों? वो एंथ्रेक्स रोग है। और विषाणु कौन सा है इसका? बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की वजह से ये होता है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं।